स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरी भोजनशाला में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ तरबूज के छिलके से टूटी फ्रूटी। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे तरबूज के छिलके ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो लाल वाला पार्ट है उसे निकाल करके अलग हटा देते हैं, और इसके बाद फिर हम इसके छिलके को अलग निकाल देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से सारे छिलके को निकाल दिया है और इसका जो लाल पार्ट है उसे भी मैंने हटा दिया है। अगर थोड़ा बहुत इसमें कोई लाल पार्ट रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। जिस तरीके से बाज़ार में टूटी फूटी मिलती है उसी तरीके से हम इसे बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, मैंने इसे बिल्कुल बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। इसे बॉईल करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 गिलास पानी को उबलने के लिए रख देते हैं, और जैसे ही यहाँ पर पानी में उबाल आता है इसमें हम कटे हुए तरबूज के छिलके डाल देते हैं। तो इसे हमें यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए उबालना है। तो पानी को हम ढक देते हैं ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है और तरबूज के छिलके हैं जो थोड़े से ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम छलनी में डाल करके छान लेते हैं, और कुछ देर इस उबले हुए छिलके को हम इसी के अंदर ही रहने देते हैं ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और अब हम बना लेते हैं इतनी देर में चाशनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप शक्कर ली है, इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देते हैं, और गैस की आंच को मीडियम रखते हुए चीनी को घुलने तक पका लेते हैं। इसकी हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, केवल चीनी को घुलने तक ही इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पर चीनी अच्छे तरीके से घुल चुकी है। तो अब हम इसमें तरबूज के छिलके डाल देते हैं और गैस गैस को तेज कर देते हैं, और इसमें हम अच्छा सा उबाल आने देते हैं। इसको हमें ज़्यादा देर तक नहीं उबालना है, केवल इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए इतनी देर ही इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पर चाशनी में अच्छा सा उबाल आ चुका है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा चाशनी है, तो इस चाशनी को आप छान करके जो तरबूज का शरबत बनाया जाता है उसमें काम में ले सकते हैं, या फिर गर्मियों में कच्चे केले का पन्ना भी बनाया जाता है, आप इसमें भी इसे काम में ले सकते हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम यहाँ पर ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर यह ठंडा हो चुका है, इसका जो एक्स्ट्रा पानी था उसे मैंने यहाँ पर छान करके निकाल दिया है। और अब मैंने यहाँ पर इसमें डाला है वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स, इससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर 3 कलर के टूटी फ्रूटी बना रहे हैं। आपको जितने भी कलर की टूटी फ्रूटी बनानी है आप उस तरीके से इसे डिवाइड कर सकते हैं। और अब हम इन सभी में कलर मिला देते हैं। कलर वाली टूटी फ्रूटी दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी में मिलाया है ऑरेंज फ्रूट कलर, जिसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। मैं आपको दिखा दूंगी बाद में कि मैंने इसमें कौन सा कलर डाला है। और दूसरी कटोरी में रस भरी रेड कलर डाला है, और अब हम यहाँ पर तीसरी कटोरी में डाल देते हैं ग्रीन फ्रूट कलर, इसे भी हम यहाँ पर अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम इन कटोरियों को रख देते हैं 1 घंटे के लिए ऐसा ही, ताकि इसके ऊपर कलर अच्छे से चढ़ जाए। तो 1 घंटे के बाद में यहाँ पर ये सारी अच्छे से कलर में हो गई है, और इसमें मैंने कौन सा कलर डाला है वो आपको मैं इस समय पर बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसमें ऑरेंज फ्रूट कलर डाला है। और अब हम यहाँ पर एक ट्रे या थाली कुछ भी ले लेते हैं और उसमें एक फॉइल पेपर लगा लेते हैं, और इसमें हम इस तरीके से इसको फैला लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे एक ही ट्रे में फैलाया है, आप चाहें तो इसे अलग अलग कटोरियों में रख करके भी सुखा सकते हैं। अब इसे सुखाने के लिए आप इसे पंखे की हवा में 6 से 7 घंटे के लिए रख करके सुखा सकते हैं, या फिर आप इसे धूप में भी रख करके सुखा सकते हैं। और अगर आप इसे धूप में रखते हैं तो ये और भी ज़्यादा जल्दी सूख जाएगी। तो अब हम इसे सूखने के लिए रख देते हैं और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी टूटी फ्रूटी कैसी बनी है। तो 5 से 6 घंटे के बाद में अब ये हमारी टूटी फ्रूटी बन करके तैयार है, बिल्कुल बाजार की तरह बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए, और यदि आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।